तो हे दोस्तों, कैसे आप लोग, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो काफी कमाल का होने वाला है। आज मैं आपको समुद्र में रहने वाले पांच सबसे अजीबोगरीब जीव के बारे में बताने वाला हूँ, जिन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि दुनिया में कई हजार समुद्री जीव मौजूद हैं, लेकिन उनमें से फिर भी कुछ रहस्यमयी हैं जिन्हें हमने अभी तक नहीं देखा है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे विचित्र जीव के बारे में बताने वाले हैं जिसे देखकर आप यकीन नहीं करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इनके बारे में पूरा डिटेल से जान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को एक लाइक करेंगे, एक शेयर करेंगे तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और हम आगे भी आपके लिए इसी तरह की नई नई वीडियो सर्च करके लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। नंबर वन, ज्वाइंट और फिश। दोस्तों, यह एक विशालकाय सांप जैसा प्राणी है जो समुद्र की सतह से 3000 फीट नीचे तैरता है और यह हाल ही में कैलिफोर्निया के तट पर पाया गया था। नंबर टू, मेगा माउस शार्क। दोस्तों, इसे मेगा माउस शार्क के नाम से जाना जाता है। फिलीपींस के एक मछुआरे के जाल में इसकी पूंछ फंस जाने के बाद उसकी मौत हो गई थी। नंबर थ्री, लेसेंट फिश। दोस्तों, गहराई में रहने वाले इस दानव को लेसेंट फिश कहा जाता है। यह सच में एक बुरे सपने की तरह है और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज तक मैंने कभी भी इस जीव को नहीं देखा है। यह लेसेंट फिश उत्तरी कैरोलिना के तट से दूर पाई गई थी। नंबर फोर, लायंस माने जेलीफिश। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यह जेलीफिश एक तेल फैलाव की तरह लग रही है। ऐसा लग रहा है कि जमीन पर कोई तेल गिरा दिया गया हो, लेकिन वास्तव में इसे एक जेलीफिश के रूप में जाना जाता है। यह एक दुर्लभ दृश्य है। लायंस माने जेलीफिश दुनिया का सबसे बड़ा जेलीफिश है। नंबर फाइव, फंग टोथ मछली। दोस्तों, इस मछली के लंबे और नुकीले दांत होते हैं जो उन्हें अपने रास्ते में आने वाले भोजन को पकड़ने में मदद करते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फंग टोथ उष्णकटिबंधीय और 500 से 5000 फीट नीचे पाई जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे एक चीज कमेंट करके बताइए, इन पांच मछलियों में से आपको सबसे खतरनाक कौन सी लगी और सबसे अच्छी कौन सी लगी, प्लीज यार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आपको इसी तरह की नई नई वीडियो देखनी है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपने हमारे वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।